श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरि ओम नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरि ओम नारायण। ज्ञान निर्भर श्री मद्भागवत महात्म्य प्रवक्ता श्री रामचंद्र केशव जी डोंगरे जी महाराज स्कंद पहला भाग दो। निंदा श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं निंदा एवं निंद्रा पर जो विजय पा लेते हैं वे ही भक्ति करने में समर्थ होते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है मनुष्य का बड़ा दोष यही है कि वह सदा स्वयं को निर्दोष समझता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है वासुदेव गायत्री का सदैव जप करो। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है जप की धारा न टूटे इस बात का बराबर ध्यान रखो। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है जो भगवान के नाम को जपता है भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है 32 लाख जप संख्या पूरे होने पर विधाता का लेख भी पलट जाएगा, पाप का नाश होगा। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं सदा यही सोचो कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है, सदा यही सोचो कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं रात्रि में सोने से पूर्व सदैव प्रेम पूर्वक जप करो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं 1 वर्ष तक वाणी से जप करो, 3 वर्ष तक कंठ से एवं 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, उसके बाद अजपा स्थिति आ जाती है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है जिसका जीवन केवल भगवान के निमित्त है उसे कभी संग्रह नहीं करना। भगवत दर्शन पाने श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है भगवत दर्शन पाने के बाद भी जप करना न छोड़े। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है जीवन के अंतिम श्वास तक जप करते रहो। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है कीर्तन के समय सांसारिक शुद्ध बुद्ध न रहे तो विशेष आनंद आता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है संयम सदाचार स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। फिर से पढ़ते हैं संयम सदाचार स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। भक्ति रहित श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है भक्ति रहित ज्ञान शुष्क ज्ञान है,
वह मरण समय को बिगाड़ता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, विलासी जीवन भक्तिपूर्ण जीवन का विनाश होता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, सज्जनता संत मिलन का कारण बनती है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि दोष किसी में नजर ही ना आए। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, किसी का दोष मत देखो, किसी के पापों का विचार न करो एवं जबान पर भी न लाओ। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, मन के अधीन मत बनो पर उस पर विजय प्राप्त करो। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, परमात्मा से मिलना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, जो सदैव सावधान रहे वह संत। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, मन को सुधारोगे तो आप भी संत बन सकोगे। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, काल अर्थात मृत्यु अवश्यम भावी है, उसे याद रखो। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, दूसरों का सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, दूसरों को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपना सुधार। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, त्याग से अलौकिक शक्ति आती है, विषय छूटते हैं तो दुख होता है, किंतु स्वयं यदि समझ बूझकर विषयों का परित्याग करे तो आनंद की प्राप्ति होती है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम मैत्री छोड़नी पड़ेगी। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, प्रेम करने योग्य एक भगवान ही तो है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, दुख ईर्ष्या का कारण होता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, जो सब प्रकार से सुखी हो गया है वह दीन भाव से प्रभु के आगे नमता नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, दुखित अवस्था में भगवान गुप्त रीति से प्राणियों की मदद करता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, निर्भय प्रेम एवं वंदन से वैर विरोध की शांति होती है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह भगवान को अति प्रिय होता है। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, जगत में किसी को रुलाना मत, खुद ही रुदन कर लेना, रुदन से पाप नष्ट होते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, बारंबार भगवान का स्मरण करने से भगवान शुद्ध होता, भाव शुद्ध होता है। बारंबार भगवान का स्मरण करने से भाव शुद्ध होते हैं, वंदन से भगवान बंधन में बनते हैं।
बंधन से भगवान बंधन में बंधते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, सुबह दोपहर एवं सायंकाल रोज तीनों समय भगवान की स्तुति करो, साथ ही साथ सुख दुख एवं मरण समय में भी स्तुति करो। श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है, सांसारिक विषय संसारी जीवन